नमस्कार, टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये वीडियो है, ये रियल आइज की फ़ोटो पिक्चर को लेकर बनाई गई है। आप ऊपर स्क्रीन में देखेंगे कि आपको एक आई नज़र आ रही है और जहाँ पर काजल लगाते हैं वहाँ पर एक वाइट लाइट है, लेकिन वो वाइट लाइट अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इट मींस उस सेकंड में जब ये फ़ोटो पिक्चर लिया गया उतनी ही लाइट उस आई में फैली जितनी इस फ़ोटो पिक्चर में कैप्चर हुई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इस तरीके से वीडियो बनाने का रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग हैं ये सोचते हैं कि हम कैसे पता चलाएं कि हम असेंडेड हो गए हैं, हम डिवाइन सोल हैं, हम उस डिवाइन का अंश हैं और हमने अपना सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया है। ये इंडिकेशन है कि जिन लोगों की आँखों में वो वाइट लाइट नज़र आने लग जाए, और ये वाइट लाइट सभी को नज़र नहीं आती है, ये इत्तेफाक है कि ये फ़ोटो में कैप्चर हो गया, अदरवाइज़ आप सामने से उन आइज़ को देखेंगे तो वो आपको नॉर्मलाइज नज़र आएंगी। आप ये अगर आप असेंडेड नहीं हैं तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि सामने वाला जो पर्सन है वो नॉर्मल है या फिर डिवाइनली गाइडेड पर्सन है, डिवाइन बीइंग है, असेंडेड सोल है। अब ये चैनलिंग करने के लिए बोला गया, इसीलिए मैं ये चैनलिंग कर रही हूँ। ये आपके लिए हेल्पिंग हैंड है कि आप अपने आप अपनी आईज से पता चला सकते हैं कि आप कितने असेंडेड सोल हैं, कितना डिवाइनली गाइडेड सोल हैं। जो हाईली स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं उनकी आईज में ये वाइट लाइट होती ही होती है। अब ये नज़र कैसे आती है, जहाँ से हम काजल लगाना स्टार्ट करते हैं, मीन्स जहाँ से आई स्टार्ट होती है वहाँ से एक वाइट लाइट काजल की तरह फैलती हुई लास्ट तक जाकर कॉर्नर में, आई के कॉर्नर में वो गायब हो जाती है। इट मीन्स पूरे टाइम इन आईज में ये लाइट नहीं रहती, ओनली एंड ओनली टाइम टू टाइम, उसमें भी रैंडम नहीं है। लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, जब आप डिवाइन से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं तब आपकी आईज में ये लाइट बहुत ज़्यादा फ्लो करती है और ये आपको इंडिविजुअली अपनी आईज में नज़र आएगी। मीन्स ये नहीं कि सामने वाला आपको बताएगा, आपको खुद वो वाइट लाइट नज़र आएगी, आपको ऐसे लगेगा कि एक वाइट कलर की, प्योर वाइट कलर की रोशनी। जो लोग ये कहते हैं ना कि डिवाइन का कलर क्या है, तो ये रोशनी इंडिकेशन है डिवाइन का ऑथेंटिक सेल्फ, मीन्स डिवाइन एक्चुअल में है कैसे। तो वो वाइट लाइट आपकी मूव करते हुए इधर से उधर आपको बिल्कुल खुली आँखों से महसूस होगी। मैं बंद आँखों की नहीं, मैं खुली आँखों की बात कर रही हूँ। और ये वाइट लाइट तभी हमसे कनेक्ट करती है, ये डिवाइन लाइट है तभी हमसे कनेक्ट करती है जब हम अपने आप को राइज कर लेते हैं, हमारे चक्रा बैलेंस हो जाते हैं, हमारी कुंडलिनी राइज हो जाती है, हम हायर चक्रास में जाते हैं, हायर डायमेंशंस में एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, तो सबसे ज़्यादा चेंजेस हमारी आईज में ही आते हैं। आप इस आई को
बहुत डीप में देखेंगे तो आपको जो एक्सपीरियंस होगा वो आपका सेल्फ का एक्सपीरियंस होगा। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि सभी लोगों के एक्सपीरियंस एक जैसे हों ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों को बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस होंगे, जो पॉजिटिव एनर्जी में होंगे उन्हें इन आँखों को, इस आँख को देखने पर बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस होंगे, और जो नेगेटिव एनर्जी में हैं वो अंदर तक उनकी सोल सोल को जो शॉक लगेगा, उसके बाद क्या गाइडेंस आएगी ये मुझे भी नहीं मालूम। ये एक तरीके से आपको अवेयर करने के लिए बनाई जाने वाली वीडियो है। अब इसके लिए मेरे हाथ में कुछ नहीं है कि मैं आपको कुछ हेल्प कर पाऊंगी, ये आपके पास है। आप कंसंट्रेट कीजिए इस आई और वाइट लाइट पर और अपने आप एक्सप्लेन कीजिए और मुझे भी बताइएगा कि आपको एक्सपीरियंस क्या हुआ, और आपका एक्सपीरियंस ही आपकी आगे की स्पिरिचुअल जर्नी को कंटिन्यू करने में हेल्प करेगा। बहुत सारे लोगों को अपने क्वेश्चंस के आंसर्स आज मिलने वाले हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है। मींस आप अपने आप इस एक्सपीरियंस को गेन कर सकते हैं, और मैं भी वेट करूँगी आपके मेल्स का और मैसेजेस का कि इस आई को देखकर जब आपने कंसंट्रेट किया तो आपको एक्सपीरियंस क्या हुआ। हालांकि एनर्जी मैं सेंस कर पा रही हूँ, बोलते बोलते मुझे एनर्जी सेंस हो रही है, बट मैं चाहूँगी कि आप अपने शब्दों में ही मुझे बताएं कि आपने किस एनर्जी को सेंस किया और आपके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ। आई होप सो जिस वजह से ये चैनलिंग कराई गई है वो आप तक पहुंच रही है, और आप इस हेल्पिंग हैंड का यूज़ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में कर रहे हैं। ये एक ट्रू रियल डिवाइन सोल की आई है, और डिवाइन बीइंग, मैं ये सीक्रेट ओपन नहीं करूँगी कि ये मैस्कुलाइन एनर्जी है फेमिनाइन एनर्जी है, वो आप अपने आप आइडेंटिफाई कीजिए कि इस एनर्जी से आपको कौन सी एनर्जी सेंस हो रही है, इस आई की एनर्जी में कौन सी एनर्जी है जो आप सेंस कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ आपके लिए एक्सपेरिमेंट ये भी है कि आप ही बताइए कि ये वास्तव में इस आई का जो स्क्रीन में फ़ोटो है वो एक डिवाइन बीइंग है या नहीं। मैंने कहा मेरे चैनल के थ्रू मैं कोशिश ये करती हूँ कि ऑथेंटिक नॉलेज आप तक पहुँचे और आपको सही गाइडेंस मिले और प्रैक्टिकली आप उसे यूज़ करके देख पाएँ, मीन्स खुद ही उन एक्सपेरिमेंट्स को करके देख पाएँ और ये पहचान पाएँ कि स्पिरिचुअलिटी वास्तव में बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, और जो स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं वो अपनी लाइफ को, चाहे वो कितनी भी नेगेटिव हो, उसे पॉजिटिव बना ही लेते हैं। मेरी बातों का, मेरे शब्दों का जो अर्थ है अब आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि आपके एक्सपीरियंस ये बताएंगे कि हाँ ये आज इस वीडियो के माध्यम से जो चैनलिंग आपके लिए की गई है वो कितनी एक्यूरेट है, इन आईज की जो एनर्जी है वो एक्चुअल में डिवाइन एनर्जी है या यूं ही वीडियो सिर्फ कमेंट्स के लिए या शेयर और लाइक के लिए इस वीडियो को बना दिया गया है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप ही के पास हैं, और मैं भी आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। आई होप सो
आप इस एनर्जी से कनेक्ट कर पाएँ और वो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस ले पाएँ, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स जिन्हें आप काफ़ी सालों से ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको नहीं मिल रहे हैं, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल पाएँ और आप डिवाइन सोल्स की आइज़ का सीक्रेट समझने का फर्स्ट स्टेप, क्योंकि पूरा सीक्रेट कोई भी डिवाइन सोल्स की आइज़ में देखकर नहीं पता चला सकता, इसकी गारंटी देती हूँ। और आप भी इन आइज़ के सीक्रेट्स को समझ पाएँ। आज की इस वीडियो की एनर्जी का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि आप अपने आप से जुड़ पाएँ, क्योंकि आज के आपके एक्सपीरियंस एकदम डिफरेंट हैं। ना आपने आज से पहले इन एक्सपीरियंस को फील किया और ना आगे फील कर पाएंगे।